तो आज तक वो इकलौता पहला चैनल जिसने राम मंदिर का पूरा भ्रमण आपको कराया। आप भी आज तक के साथ मंदिर में गए, रामलला के आपने दर्शन किए और आज पूरा देश अभिभूत है भगवान राम की इस मूर्ति को देखकर। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर दिवाली मनाई तो आप दीप प्रज्वलित करते हुए आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। सपरिवार दीप प्रज्वलित किए हैं उन्होंने भी अपने घर में। आज सिर्फ सरयू तट पर अयोध्या में नहीं, गंगा घाट पर हरिद्वार में नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में कई लोग आज दिवाली का उत्सव मना रहे हैं क्योंकि आज राम मंदिर की तस्वीरें हैं। तो भय प्रकट कृपाला, रामनगरी अयोध्या से लेकर पूरा देश इस वक्त रामोत्सव मना रहा है क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक 500 बरस की प्रतीक्षा का भी अंत हुआ है। पीएम मोदी ने आज उनके हाथों से कह लीजिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पावन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने वहां पर भी लोगों को संबोधित किया। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर आरती की, तमाम लोगों से मिले, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, कई लोगों ने उन्हें भेंट दी। पीएम की आरती के बाद आज तक आज इस कार्यक्रम के हर क्षण का आपके साथ गवाह बना। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में क्या हुआ। आप भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर लीजिए। आज पीएम मोदी कह रहे हैं हमारे राम आ गए। पांच सौ बरस से इसी घड़ी का तो इंतजार था। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गए हैं। आज पूरा देश राम उत्सव मना रहा है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई। 11 दिन के अनुष्ठान के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पहुंचते हैं। उनके हाथों में चांदी की छत्र थी, सुनहरे कपड़े पहने पीएम मोदी के माथे पर लाल टीका लगा था और हाथ में लाल रंग की चुनरी भी थी। आज तक एक एक पल का गवाह बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं रामलला के दर्शन राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहां पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा। पीएम मोदी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ है, मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते हैं, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है। ये वो घड़ी है जिसका पूरे भारत को हर राम भक्त को इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, ये देखिए पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे क्योंकि दाएं बाईं तरफ भी एक एक मंडप है, कुल 5 मंडप यहाँ पर है। प्राण प्रतिष्ठा का समय यानी 84 सेकंड की घड़ी जब बेहद नजदीक है, पीएम मोदी गर्भगृह में मौजूद है। पूजा का विधि विधान शुरू होता है।
वह घड़ी करीब है और अब मुझे लग रहा है कि 12:13 हो चुके हैं, तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और परम स्थिति है वो वहां पर मौजूद होगी, वो वहां पर उपस्थित होगी। और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ कि कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है और उन सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जो ऋग्वेद के 16 मंत्र हैं उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए है आवाहित देवताओं के उन मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी। और जैसे ही 16वां मंत्र होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होगा और उसके साथ ही भगवान राम के श्री पुरुषोत्तम का 51 इंच के श्री विग्रह का उसमें प्राण का संचार हो जाएगा, देवत्व का संचार हो जाएगा। हरि ओम भद्रांगारणे। वैदिक विद्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की अचल प्रतिमा का विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न करवाते हैं। जिस शुद्धता का पालन करना चाहिए था इतने दिनों से एक ऐसे पद के बावजूद उन्होंने किया है कि लोगों के मन में एक विशिष्ट जगह उनके लिए बनी है। जितने भी राम भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में हैं तो वो यजमान नियम का जो जितना भी पालन रहा है इतने दिनों से वो उसे करते रहे हैं। जहां के भी मंदिर में पहुंचे हैं वहां पर रामायण की कथा भी उन्होंने सुनी है। दोपहर 12:29:08 84 सेकंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुरू। पीएम मोदी के साथ गर्भगृह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महंत नित्य गोपाल दास मौजूद रहते हैं और अभिजीत मुहूर्त में 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा पूरी होती है। यह 84 सेकंड अर्थात 1:22 का वह समय है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ये संजीवनी मुहूर्त है, इसमें पांचों प्रकार के दोष प्रभावित नहीं करते, तो आप महामृत्युंजय का जाप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। 7 कहा गया है वस्त्र मात्र मिलते थे पूरे पूरे साल में धारण करने के लिए, आज उनका तिलक भी है तो हीरो और रत्नों से जड़ा हुआ है। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई वैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर जय जय श्री राम के नारे लग गए, सारे के सारे रामलला रत्नों आभूषणों से सजे हुए हैं और भगवान के कार्य में हम लोग सभी आदमी दूर दूर के आए हैं। जय श्री राम। आज का दिन विशेष है, हमारे रामलला का गृह प्रवेश है। प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद रामलला की पहली तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में रामलला मुस्कुराते हुए दिखते हैं और पीएम मोदी प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठती है। राम मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज चुके हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उद्घोष यहां पर शुरू हो गया था। फूलों की वर्षा हम सब के ऊपर से होती हुई काफी आगे तक बड़ी, हेलीकॉप्टर से जब फूलों की वर्षा हो रही थी तो लग रहा था कि पुष्पक विमान यहां पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे जरा बातचीत करते हैं इन लोगों की क्या भावनाएं हैं, इन लोगों से पूछते हैं बताइए क्या है भावना। मैडम भगवान ने गोस्वामी जी ने पहले ही बोल दिया था जो लगन करे बात थी सकल भय अनुकूल गीत सुनाइए। कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। 22 जनवरी का दिन आज दुनिया में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज हो गई है और पीएम मोदी कह रहे हैं हमारे राम आए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं।